यूट्यूबर मनीष कश्यप एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। जिस तरीके से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, उसके बाद से बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आए। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर मनीष कश्यप चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी में शामिल क्यों हुए, भारतीय जनता पार्टी में उनका क्या काम है, भारतीय जनता पार्टी में उनको शामिल कराने में मनोज तिवारी ने आखिर अहम किरदार क्यों निभाया। दरअसल इसके अब जवाब निकल कर सामने आ रहे हैं। बताते चलें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और यहीं से मनोज तिवारी मौजूदा सांसद हैं और इस बार भी प्रत्याशी हैं। मनोज तिवारी की दावेदारी इस सीट से तो अच्छी खासी है, लेकिन इसके बावजूद कन्हैया कुमार के चुनावी मैदान में उतरने से मनोज तिवारी के इस सीट पर अब खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की एंट्री मनोज तिवारी ने इसीलिए कराई। दरअसल मनीष कश्यप युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं और उन्होंने निर्दलीय पश्चिमी चंपारण से जो है चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया था, लेकिन जिस तरीके से उनका पूर्वांचल के क्षेत्रों में कह सकते हैं एक लोकप्रियता है और उनकी चर्चा है, वो एक अहम किरदार निभा सकते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी की जीत में। बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली सीट है पूरी दिल्ली की और वहाँ पे पूर्वांचल का जो कह सकते हैं पूर्वांचल के लोगों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है बिहार या यूपी की बात करें, और कहीं ना कहीं इसी लिए जो है मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आए। और मनीष कश्यप जो है बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ सकते हैं। बताते चलें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उसके बाद से ही लगातार यह सवाल उठने लगे कि आखिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हुए। तो बता दें कि मनीष कश्यप को शामिल कराने में जो है कहीं ना कहीं जो मनोज तिवारी हैं उन्होंने एक अहम किरदार निभाया और मनोज तिवारी इस बात को बखूबी समझते हैं कि कन्हैया कुमार के चुनावी मैदान में उतरने से ये मुकाबला जो है वो कड़ा हो चुका है और दिलचस्प मुकाबला हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो मनोज तिवारी यहाँ पे अपना गढ़ बनाने की कोशिश में हैं, जो जिस जद्दोजहद में हैं, और कन्हैया कुमार के आने से ये गढ़ जो है अब खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है इस गढ़ पे। बताते चलें कि कन्हैया कुमार भी काफी एक्टिव नेता है, सोशल मीडिया के जरिए तमाम जो है अपनी बातों को रखते हुए नजर आते हैं। खास तौर पे बात करें उनके भाषण देने का जो सलीका है, जो तरीका है, उसको अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा उनसे लोग प्रभावित होते हैं। जेएनयू में काफ़ी ज़्यादा वो विवादों में भी रहे थे। हालांकि अब जिस तरीके से उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार का जो मुकाबला है, इसमें अब मनीष कश्यप की जो है एंट्री हो गई कि जिस तरीके से उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार बनाम मनोज तिवारी का जो मुकाबला था, अब इसमें कहीं ना कहीं अहम किरदार निभा सकते हैं मनीष कश्यप। मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी के लिए अब जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली से जो है चुनाव प्रचार कैंपेनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं और कहीं ना कहीं जो बिहार के लोग हैं उनको जो है मैसेज देते हुए नजर आएंगे और उनके पक्ष में जो है मनोज तिवारी के पक्ष में वोट मांगते हुए देखे जा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल पॉलिटिकल बाइट के साथ।